साढ़े को नहीं सन वरना असी भेज देंगे। इतने भी साढ़े कई आए कर्जे लैके भी आए एजेंसियां, तुसी साढ़े मुल्क की एजेंसियां हो, मैं बड़ा तुहाड़ा हल्के गल कर रहा। अज की यह बरा रास्त उतले उतने गल सुनाओ, मोदी की धोती इंज नहीं खुल सकती, मोदी की धोती तुहाड़ी बड़कना नहीं खुल सकती। उधर अमरीका भी आ खड़ा होना है, उधर सारा कुफर आ खड़ा होना है मोदी नाल। एना फकीर ने ए जड़े बैठे नो लमा आले सुन्नत ते मशाख आले सुन्नत, इन्हें ही बंदे तैयार करके उधर बार्डर ते भेजने। ते तुसी ए मत समझा करो कि आले सुन्नत ते उलमा मशाख इन्हें ते फौर शेड्यूल लाए ने जलीलो, और तुहाड़ियां मावां ना ही जमदियां होए उलमा आले सुन्नत ते तुसी फौर शेड्यूल लाए, और तुसी मशाख आले सुन्नत दी दरगाहां ते छापे मारे, और तुसी साडे मुअज्जिन ने दुरूद सलाम पढ़दे परचे कटे, और मुस्तफा जान रहमत नूं तुसी दहशतगर्दी करार दिता, और तुहाडियां मावां ना जमदियां जलीलो। गल तवज्जो, ए पाकिस्तान दे वारिस बैठे ने सारे, इन्हां दे वड्डिआं ने पाकिस्तान बनाया, ए नारा एवें नहीं लग्या, ये उन्हां दीआं रूहां आ गईआं। तारीख लभा गया रसूला नूं उन्हां खड़ा कर दिता, उन्हां क्यों असीं तुहाडे नाल आ, असीं तुहाडे नाल आ, इतनी इस तों कई गुणा दुनिया बाहर। ओ पुल दो ते दसो जी, सानूं कहिंदे ने बंदा ही कोई नहीं, मैं आखिया जलिया बंदा तां नहीं जे मौली खादम अपने प्यो की गल करे, जात वास्ते गल करे, जदों मालकां दी गल है। मैं कहना हुंदा हर तकरीर च सहाबा जे रस्ते च कह देंदे हुजूर पहले तलवारां दिओ, रोटी दिओ, बंदे दिओ, तो फिर बदर च तो बड़ा मसला है। साहब आरज की हजूर हुक्म तो दो, घोड़े समुद्र भी सुट दे, कमाल वाली गल है। क्यों जी? तो फिर इस्लाम इस्लाम है, इस्लाम किसी का कर्ज बाकी नहीं रखता। साहब आ जो बदर च पहुंचे तो फिर रब ने हजूर ने फरमाया ये जिबरील आ गए, ये घोड़ा पकड़ के जिबरील आ गए, ये मीकाईल आ गए। चलना सिर्फ तुहाडा काम है, तुसी आयो तो मदद होई कि ना होई। अज तो बाद कन्न बंद कर दो, इस्लाम मदद नहीं करता। ए सारे मिल के भी टट्टू, ए जड़े मुमताज कादरी के खिलाफ हैं ये टट्टू सारे मिल के, तो मैं बहुत मोहतात गल कर रहा, क्योंकि मैंने पता है साढ़े इतने बड़े बड़े मशायख बैठे तकवे तारा थाले, तो यह बाद मैं कोई और ही गल लगी, तू कैसी गुफ्तगू की सारे। और टट्टू और टट्टू मुमताज कहो तेन जलीला यही मिली सी मुमताज कादरी की गल, 13 घंटे की तकरीर आई हुई सी तेन, हम फिर कहते मौली खादम वो मन मैं आखा चबलो ये उठ डह पिया खूह, ये उठ डह पिया खूह, पूछल मत नपो, बरेली शरीफ तो करेन मंगाओ, और करेन केड़ा इश्क रसूल वाला, गैरत रसूल वाला। क्यों जी? नखलम दर नेश नोश जामे मुसलम ने काफर जंबूर के नेश बेनोश। आला हजरत बरेली फरमाने सुनो, अहमद रजा शहद की वो मक्खी है जिसके डंग का जवाब भी नहीं, जिसके शहद का जवाब भी कुछ। ये कहती है बुलबुल बाहे जना कि रजा की तरह कोई सहरे बयां नहीं, हिंद में वासिफ शाह हुदा मुझे शोखी ये तबाह रजा की कसम। जमीनो जमा आखिर तक आवाज आवे इन्हों के प्यो द मीनारे पाकिस्तान जलसा नहीं करन तुहाडे प्यो द, जिथे साड़ा दिल करेगा लब्बैक दे नारे लवाने नूं सी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दस्तूरुल दस्तूर ते मंशूर ते इलामिया कंजुल उलमा मुफक्कर इस्लाम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली जीद मजदुल करीम ने पेश कर दिया, और गैरत व हमियत और दीनी अकदार की हिफाजत का दर्स आपको पेशवाया अहले सुन्नत मुजाहिद मिल्लत सरमाया अहले सुन्नत हजरत पीर मोहम्मद अफजल कादरी दामत बरकातुहु मुलालिया, और गाजी इस्लाम के वालिद गिरामी मोहसिन मिल्लत मलिक मोहम्मद बशीर साहब ने एक जुमला कहा है, शायद आपकी तवज्जो नहीं गई, कान जरा खोलें। आपने सिर्फ एक बात कही, ये नहीं कहा मेरा बच्चा चला गया, हाय मेरी जिंदगी किवें गुजरनी, ओ दसो मुमताज कादरी के बच्चे की परवरिश किवें होनी, और दसो मेरा बुढ़ापा किवें गुजरना है। मैं कहा इस पुत्र जवान दे के
ते बाबा रोवे नहीं, ते रोजाना पोतरा सामने फिरे ते बाबे दी अखें चो आंसू ना आवन। मैं इकबाल को पूछा दस ओए बाबा जी की कमर किने सीधी रखी, और दस ओए ओबामा भी इन्हों वेख के घबराया क्यों है, अपने मुनाफिक भी उन्होंने चेहरे बदलने शुरू हो गए। और कराची का डाकू बदमाश जिन्हें मुमताज कादरी के खिलाफ गल की, अज उसका कख भी नहीं रहा, और बार दा बार ही रह गया। मैं कह जलीला तेरा तो जनाजा भी कुत्ते किसी नहीं पढ़ना, दस साठ लाख जनाजा जिस शख्स ने जनाजा पढ़िया, जिस शख्स लोगों ने दस कुत्ते तो वो नाम लाया जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। मैं इकबाल को पूछा, मैं कह इकबाल दस ओए बाबा जी के कमर च ये पावर किधरों आई, जवान पुत्र जलियो तो वैसे ही कमर टुट जाती, तो बाबा जी फिर क्यों दलेर। तो फिर स्टेज उत्ते गल कर गए, तो गल भी रोंदिया नहीं की, हसदिया की। मैं कह दसो जी ये केड़ी पावर है। इकबाल कहता तेन पता नहीं, ऐ सामने लेटे फकीर, अज असी ऐलान कर रहे हैं इकबाल की छुट्टी बहाल करो, इकबाल की छुट्टी सारे बोलो, अज कमाल है हुण तां जागण दा वेला, इकबाल की छुट्टी जे तुसा ना की। इकबाल डे आले दिन तारीख लभ्या गया, रसूला दे कायदीन कारकुना समेत आ जाणगे। और जलीलो बादशाही चंगी ते मौत जिन्हें तस्वीर पेश की, और बेवफाओ और जलीलो और दुनिया ते जो कोई जलील होना जो अपने मोहसिन भुल जाए, इकबाल की छुट्टी बहाल करो। इकबाल के जितना भी कुलियात इन्होंने पता है इकबाल की छुट्टी क्यों मनसूख की, पूरे कलामे इकबाल इन्होंने एक शेर भी ना मिलिया कि जिसे टीवी से दसन जी इकबाल लिबरल था, लिबरल दिया पुत्रा इकबाल वो था जो गाजी इल्मुद्दीन की कब्र में उतरा और उतर कर कहा इल्मुद्दीन मैंने तेरी वसीयत पूरी कर दी, अब मेरी भी एक वसीयत है, मैंने तेरे लिए बड़ा काम किया, जब रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए तो मेरा सलाम जरूर पेश करना। इस वास्ते ने इकबाल नु वैर रखा, ये वैर पुत्रो असी तो अड़े ना मुकाने। इकबाल ना इन्हों का वैर इंज होया कि उन्हें नामूस रिसालत का काम क्यों किया, गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे शरीक क्यों होया, इल्मुद्दीन की कबर उतरिया क्यों वे। बचे असी सारी उम्मत इकबाल नाल खड़ी, इकबाल नाल खड़ी क्यों कोई नहीं, इकबाल का मिजार खोलो और हजूर के गुलामों नू ज़ियारत करन दित्या करो। एडा तुहाड़े जनाब सारे मुल्क नू जंगले लाने, तुसी एनू भी तारा ला दो, एनू भी तारा ला दो, अपने आप नू भी तारा लवाओ, तारा ना भी कभी मुल्क बचे। जलीलो स्कूल भी तारा ला दो, अस्पताल भी ला दो, मदरसे भी ला दो, मस्जिद भी ला दो, ईवान इकबाल भी ला दो, एनू भी ला दो, मीनारे पाकिस्तान तुसी केड़े मर्ज की दवा वो सिर्फ पैसे बटोरन वास्ते। जिस मुल्क के हुक्मरान 60 लाख की घड़ी बनन ते पूरे मुल्क जुगियां मौजूद होवन, क्यों जी इन्हों हक बनता है जलीलों।